हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, मैं लग गई थी सुबह अपने पूजा पाठ में, सारा काम वम करने के बाद। तो सबसे पहले खैर पूजा तो इस बीच मम्मी ही जल्दी से कर लेती हैं, क्योंकि मम्मी सुबह ही पूजा कर लेती हैं। जब तक मैं सारा काम करते रहती हूँ तब तक मम्मी पूजा उजा कर लेती हैं। तो फिर मैं भी नहा के आ गई थी, मैं भी भगवान जी को दिया लगा दे रही थी, और उसके बाद फिर मैं चलूँगी किचन में। तो यहाँ पे देखिए, किचन में आने के बाद फिर मैं लगा दे रही हूँ सारा बर्तन। और दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि देहरादून कौन कौन जा रहा है, मेरे अलावा देहरादून कौन कौन जा रहा है, तो पूरा आज आप लोग को बताऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, बर्तन लगाने के बाद, और जब मैं बर्तन लगा ही रही थी ना, तो उस समय आ गए ये, और ये गए थे बुआ को लेने के लिए। एक हमारी बुआ हैं, तो बस उन्हीं को। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे लेते आए थे बुआ को, जो ये हैं, मतलब बुआ हैं हम सब की। तो बस ये लेते आए थे, क्योंकि देखिए हम सब कल चले जाएंगे देहरादून, तो फिर मम्मी अकेली हो जाएंगी, और इतने बड़े घर में मम्मी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये हुआ कि चलो, दिन तो कैसे भी बीत जाता है, लेकिन रात किसी की नहीं बीतती है इतने बड़े घर में। तो ये कहें कि बुआ को लेते आऊँ, मैं भी कहीं हाँ बुआ को लेते आओ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस यहाँ पे देखिए, बुआ को सुबह ही लेते आए थे, और उसके बाद फिर जाएंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट से भी ले आना है चीज़ सामान, जैसे कि नमकीन, बिस्किट, मीठा, सभी ले आना है। तो बस यहाँ पे बुआ आ गई थी, तो कहीं थोड़ा रेस्ट कर ले दो मिनट, तो इनके बाद उनका पैर उड़ धुलूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए, जैसे बुआ लोग आती हैं या तो फिर कहीं से दर्शन करके आते हैं, तो उनका सबका पैर धुला जाता है। तो बस मैं कहीं दो मिनट बुआ रेस्ट कर ले, उसके बाद इनका मैं पैर धुल लूँगी, और उसके बाद फिर चलूँगी मैं खाना पीना। अभी मैं जो कि चाय नहीं बनाई हूँ, जा रही थी चाय ही बनाने, तो फिर बुआ आ गई, मैं कहीं अभी बर्तन भी पूरा नहीं लगाई थी, मैं कहीं चलो बुआ आ जा रही इनका करने के बाद, और उसके बाद मैं अपना सारा काम करूँगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको आज बताऊंगी कि देहरादून कौन कौन जा रहे हैं, जैसे देखिए मेरी टिकट है 8 तारीख की, और हम सब भदोही से बैठेंगे, और उसके बाद फिर देखिए 9 तारीख को है मेरी दीदी और भैया की, तो भैया जो बड़े वाले जेठ जी हैं उनकी टिकट, और मेरी बड़ी वाली जो ननद है उनकी टिकट एक साथ में है, और वो सब बैठेंगे बनारस से। और उसके बाद जो पूना वाले भैया है वो आज ही निकल गए हैं, यानी कि वो 7 ही तारीख को निकल गए हैं पूना से, वो दिल्ली होते हुए तब जाएंगे देहरादून। अब देखो, हम लोग से पहले पहुंचते हैं कि बाद में पहुंचते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो दिल्ली में मतलब कहीं रुकेंगे शायद, उस वजह से। अब देखो, और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में, और चाय वे सब हो गई थी, आ गई थी किचन में, और जहाँ तक है सभी लोग पहुँच रहे हैं देहरादून, बस मम्मी भर को छोड़ के सभी पहुँच रहे हैं देहरादून। और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं आप लोग को अपने पूरे परिवार से मिलाऊंगी, जो भी मेरे जेठ जी हैं, जेठानी जी हैं, और मेरी ननद लोग सबसे मिलवाऊँगी। ये मेरी जहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो मेरी छोटी वाली ननद है, यानी मेरे से तो बड़ी, मैं सबसे छोटी हूँ, और वहाँ पे पहुँचूंगी तो मैं आप लोग को सारे परिवार से अपने मिलाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं छोक रही थी नेनुआ की सब्जी, क्योंकि इन्हें भी जाना था मार्केट, तो बस जल्दी से, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से होते होंगे 8 या 8:15 होते होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए, सब्जी छोक दे रही हूँ, और साथ ही मैं रख दे रही हूँ चाय। मैं आप लोग से पहले ही कभी चाय रख दी, लेकिन चाय नहीं रखी थी, अभी रख रही हूँ, क्योंकि इतना दिन हो गया ना वीडियो शूट करें, तो जिस वजह से याद नहीं रहता है। तो मैं कहीं चलो, यहाँ पे देखिए चाय रख दे रही, वो कान्हा जी के लिए निकाल दी थी दूध, तो कान्हा जी को दूध पिला के, और फिर आटा वाटा सब लगा ली थी साथ, तब तक मेरी सब्जी भी तैयार हो गई थी। और चलिए बैठ के पी लूँगी चाय, और उसके बाद बनाऊँगी पराठा इनको सबको, क्योंकि इनको सबको पराठा ज़्यादा पसंद है नेनुआ की सब्जी के साथ। हमारे यहाँ पर क्या है कि जैसे नेनुआ की सब्जी जब भी बनती थी, तो उसके साथ ज़्यादा क्योंकि पराठा ही बनता है। बस यहाँ पे देखिए, बुआ लोग सब पानी उनी पी चुकी थी, तो इनको सबको मैं चाय दे दी, मम्मी को दे दी, और फिर मैं लेके बैठ गई थी अपना, क्योंकि मुझे चाय इस समय ना अस्थाई से बैठ के पियो तभी अच्छा लगता है, लेकिन काम रहता तो उस बीच भी मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, मम्मी लोग को दे दी हूँ चाय, और जल्दी से खाना बना के उसके बाद मैं लगूँगी अपनी पैकिंग में, क्योंकि कल ही सुबह हम लोग को निकलना भी है। हम लोग की ट्रेन भदोही से है, कोई जनता करके ट्रेन है, उसी से है हमारी ट्रेन, तो बस कल निकलूँगी भदोही के लिए। और यहाँ पे देखिए, मैं फटाफट बनाने लगी थी पराठा, कान्हा जी को भी भोग लगा दी थी, कान्हा जी को सब्जी नहीं खिलाई थी, क्योंकि मैं नहीं, हाँ सब्जी में प्याज नहीं डाली थी, तो कान्हा जी को तो सब्जी और पराठा खिला दी थी, प्रिंसी खिला दी थी, उसके बाद इनको सबको मैं फटाफट बना दे रही हूँ पराठा। और इस बीच ना दोस्तों, मैं आई थी दीदी का, आप लोग सुनते होंगे काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि हम सब भी इकट्ठा हुए, दीदी के ससुराल वाले भी सारे इकट्ठा हुए हैं, तो जिस बीच मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो अपलोड करने का, और बाकी क्यों नहीं कर पा रही थी इसका भी कारण मैं आप लोग से ज़रूर बताऊँगी।
तो यहाँ पे देखिए जो सिलेंडर है ना, जब आप लोग देखे होंगे जब शिवरात्रि वाले दिन गैस ख़राब हो गई थी तो मैं भेजी थी बाज़ार, तो ये सब जब बाज़ार से ले आ रहे थे चूल्हा ना, तो इसका जो रेगुलेटर है वो गिर गया था, तो इसका जो बंद चालू करने वाला होता है वो टूट गया था। तो मैं तो किसी तरह चालू कर लेती थी लेकिन मम्मी से नहीं होता चालू, तो इनसे मैं कही कि नया ले आके लगा दो, नहीं तो फिर मम्मी खाना कैसे बनाएं, क्योंकि उनसे वो रेगुलेटर चालू नहीं होता। तो जाने से पहले ये सबका इंतजाम, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान देना होता है कि क्योंकि देखिए वैसे मैं रहती थी, मैं अपना यहाँ वहाँ करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसे चालू कर लेती थी, लेकिन मम्मी से सब नहीं होता। तो उसके बाद देखिए मम्मी और ये चले गए थे मार्केट, और यहाँ पे मैं करने लगी थी अपनी पैकिंग, और सिवांश का जितना भी कपड़ा था तो सिवांश तो अपना अपना सारे बैग में ही रख ले रहा था, बाकी मेरा प्रिंसी का और इनका कपड़ा मैं ये दो बैग तैयार कर ली थी, क्योंकि देखिए एक हफ्ता 10 दिन की बात रहेगी तो कपड़े तो लगेंगे ही, और फिर फंक्शन भी है तो फंक्शन के लिए क्या होता है कि एक दो कपड़ा नया रखना ही पड़ता, तो बस इसी तरह कुछ समझ में नहीं आता क्या रखूँ क्या ना रखूँ, और यही सब करते करते मुझे रात 10 बज गया था। और मैं पैकिंग कर ही रही थी तब तक ये भी आ गए थे बाज़ार से। तो अभी इस समय क्या था ना कि मंगलवार का दिन था, तो मंगलवार को क्या होता है कि हमारे यहाँ का मार्केट बंद होता है, तो फिर सामान इन्हें नहीं मिला, कहें शाम को जाऊँगा, तो उस समय मार्केट लगी रही, क्योंकि शाम को जैसे मार्केट लगी होगी तो कुछ मीठा जैसे पेठा उठा, ऐसी चीज़ होता है ना जो कि ख़राब भी नहीं होता है और सफ़र के लिए भी और ले जाने के लिए भी सही रहता है। तो बस ये कहें कि शाम को मैं जाऊँगा ले आऊँगा, क्योंकि देखिए मैं बच्चों लोग के लिए भी कुछ ना कुछ लूँगी रास्ते के लिए। और यहाँ पे देखिए शायद बैग बंद नहीं हो रहा था, किसी तरह से मैं बंद कर रही थी, बुआ भी बैठी थी मेरे साथ, वो भी बताई कि ऐसे नहीं ऐसे रखो ऐसे नहीं ऐसे रखो, और मुझे ना इतना आइडिया है नहीं, क्योंकि देखिए जब कहीं आना जाना होता है ना तो इस सबका आइडिया होता है, और बहुत दिनों के बाद समझिए मैं इतना लंबा सफ़र कर रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे तो बहुत खुश हैं, क्योंकि देखिए प्रिंसी तो पहली बार ट्रेन से सफ़र कर रही है, पहली बार नहीं एक बार अभी पिछले साल शायद मेरे ख्याल से पूना गई थी, और उसके बाद ये दूसरी बार सफ़र कर रही, लेकिन वो बहुत दोनों बच्चे मेरे बहुत खुश थे। और इन्हीं सबके खाते ना मैं तैयार हो गई कि चलो इसी बहाने बच्चे लोग भी एक बार घूम लेंगे कहीं। और यहाँ पे देखिए मैं साड़ी उड़ी अपनी जो भी एक दो मेरे पास साड़ी थी वही सब रख ले रही थी, और उसके बाद फिर मैं अपना बैग तैयार कर ले रही थी, और फिर इनसे ना मैं मांग रही थी कुछ पैसे, क्योंकि मुझे देखिए ज़रूरत पड़ती है कहीं आओ जाओ तो फिर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इनसे मैं कही कि मुझे कुछ छुट्टा दे दो और जो भी हो आपके पास मुझे भी दे दोगे तो फिर मुझे भी काम लगता है। तो वही मुझे चिढ़ा रहे थे कि नहीं जब मैं नहीं दूंगा मैं कहीं नहीं कुछ दे दे, तो उसके बाद फिर देखिए कहने पे देने लगे थे। और बाकी का जो भी आधार कार्ड टिकट जो हम लोग का रिटर्न टिकट है वो सब रख रही थी, बाकी चूड़ी उड़ी दीदी के लिए जो मैं 2-3 डब्बा चूड़ी ले आई थी, और मैं तो अपने लिए ज़्यादा चूड़ी नहीं लेके जाऊँ क्योंकि चूड़ी क्या होता है ना कि टूट जाती है, बस थोड़ी सी चूड़ी मैं रख रही थी अपने लिए, जो भी वहाँ पे 1-2 साड़ी भी पहनना होगा बस उतनी, बाकी तो जो पहन के जा रही हूँ वही चूड़ी मेरी सही है। क्योंकि यहाँ से ये देखिए मैं अभी ये चूड़ी है ना, मेरे पास एक कंगन था रेड कलर का, तो उसके आगे पीछे में ग्रीन कलर की चूड़ी लगा ली, तो बहुत सुंदर लग रहा था, मैं वही डाल ली थी, कही चलो यही मेरा हो जाएगा वहाँ पर। अब बस यही सब करते करते इसी बीच खाना कपड़ा घर का काम सब करते करते साथ ही साथ अपना पैकिंग भी करे जाए थी, और यही कारण था मुझे पैकिंग करते करते रात 10 बज गया था, क्योंकि सुबह की ही ट्रेन थी, तो ये हो रहा था क्या रख लो क्या ना रखो, और फिर रेट भी रहता था कि आप भूल जाऊँ क्या ना, तो उसके बाद फिर देखिए कपड़ा भी मेरा हो गया था, शाम की वीडियो करीब 4-5 बजे की वीडियो है, तो यहाँ पे कपड़ा भी सारा हो गया था, कहीं चलो इसी कपड़ा फैला देती हूँ। और उसके बाद फिर मम्मी भी सारा अचार उचार जो भी होता है उसे भी पैक करना है अभी, जैसे अचार अमहर अमचूर और खटाई ये सब भी पैकिंग करना है दीदी के लिए, और तो उसके बाद फिर मैं चलूँगी इतनी समय जो भी थोड़ा बहुत खाना वाना बनाना होगा बना के, और फिर थोड़ा सा पैकिंग मेरी और रह जाएगी, क्योंकि ना देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे सच में ना। तो देखिए वहाँ पे मम्मी अपना अचार का डब्बा अब्बा सब निकाल दी, मैं कही मम्मी तब तक आप अचार अचार सब पैक कर दें, मैं फट से बर्तन धो के ये जो अचार अचार होता है ये भी सब रख लूँगी डब्बे में, अरे सॉरी डब्बे में करी बैग में। बस मैं अभी सारा बर्तन वर्तन धुलने के बाद उसके बाद जो आगे का काम है उसे भी करूँगी। बुआ बाहर बैठी थी वो भी चाय पी ली थी, और क्या रहेगा ना जब 2 जन घर में रहेंगे तो सही रहेगा, अपना एक दूसरे से बात करते रहेंगे और मम्मी का भी मन लगा रहेगा, और ऐसे अकेले छोड़ना तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था मुझे, तो मैं इनसे 2 दिन पहले हम लोग बुआ से बात कर ली तो कहीं ठीक है आ जाएंगे। तो इसके बाद फिर देखिए बर्तन तो सारा हो गया था, अब यहाँ का भी सफाई करने के बाद उसके बाद मम्मी जो भी अचार उचार निकाल रही थी तो उसमें मैं थोड़ी बहुत उनकी मदद कर दूँगी, और उसके बाद फिर लगूँगी खाना में, क्योंकि तैयारी इतनी समय करे रहूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। सुबह क्या क्या करूँगी, सुबह जैसे कि हम लोग 7:30 बजे या 6:30 बजे करीब निकल जाएंगे। बस यहाँ पर देखिए मम्मी अमहर अमचूर और ये सब कर रही थी,
क्योंकि आप लोग जैसा कि देखे कल ही मम्मी अचार बनाई थी, एकदम ताज़ा अचार, बहुत ही ज़्यादा और टेस्टी अचार बना था। उसका स्वाद ना, क्योंकि वो आम जो था वो मीठा वाला आम था, उसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बना था। तो थोड़ा सा मम्मी ताज़ा अचार दे रही थी और बाकी 2 किलो का डब्बा भर के पूरा आम का अचार था। और इस साल तो खैर ताज़ा अचार बना नहीं, ताज़ा अचार बस यही थोड़ा सा बना था, पिछले साल का अचार था। बाकी देखिए थैली में अमहर, अमचूर और यही सब दे रही थी। उसके बाद हम लोग सब लग जाएंगे किचन में। और उसके बाद फिर देखिए मम्मी करेला काट दे रही थी क्योंकि इसकी बनाऊंगी कलौजी, और ये कर रहे थे सत्तू की तैयारी, और बुआ भी बैठी थी तो लहसुन उसुन छील दे रही थी। क्योंकि ना मुझे काफ़ी समय हो गया था, इस समय करीब 8 बज रहा था, तो ये हुआ कि इतनी समय कलौजी बना लो और सुबह रह जाएगा बस पूड़ी भर छानना। पूड़ी छान दूंगी और थोड़ी सी सत्तू की लिट्टी बना दूंगी, तो ऐसा बनाऊंगी कि मम्मी लोग के लिए भी हो जाएगा दिन भर के लिए और हम लोग के भी ट्रेन में हो जाए, क्योंकि हम लोग को भी 2 टाइम का खाना चाहिए। एक बार हम लोग सुबह कुछ नाश्ता कर लेंगे और फिर शाम का हो जाएगा। तो बस उसी हिसाब से देखिए 2 बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत खाना लेना ही पड़ता है, बच्चे हैं, और बाकी तो उनके सबके लिए कुरकुरे चिप्स ये सब ले ही आए हैं, बस यही सब रह जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मैं मम्मी सब कर दे रही थी तैयारी। और खुश तो दोस्तों मैं भी बहुत, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकल रही हूँ इतना दूर सफ़र पे, और खुश मैं भी बहुत ही, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश है और उनकी खुशी देख के मुझे और खुशी मिल रही है। और आप लोग को भी मौका मिलेगा मेरे पूरे परिवार से मिलने, क्योंकि वहाँ पर मेरे पूरा परिवार है। अब मम्मी को तो आप लोग देख ही रहे हैं, बाकी वहाँ पर आप मेरा पूरा परिवार देखोगे और आप लोग को भी बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा परिवार बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोग भी कहोगे कि हाँ दी, आपका परिवार सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए थोड़ा सा पैकिंग और रह गया था, बाकी तो सब हो चुका है। और सामान में बस ज्यादा मैं तो कुछ नहीं, बस 2-4 साड़ी रख ली। भाई देखो 4 जने तो 4 जन का कुछ तो सामान रहेगा ही। ए प्रिंसी देखिए फेस वॉश इसमें रख दी है, एक रास्ता के लिए छोटा सा ले ली थी। और ना सबसे बड़ी चीज क्या है ना, जब कभी कहीं आए जाए ना कुछ भी समझ में नहीं आता क्या लेके जाओ क्या नहीं, मेरी बिंदी भी गिर गई है। प्रिंसी और उसके बाद ना दोस्तों थोड़ा सा कपड़ा में शाम को धो के डाली थी, जैसे इनका सबका लोअर ओवर है, एक दो टी शर्ट है, डेली भी पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रोज़ तो नया पहनेंगे नहीं, डेली भी, क्योंकि इतनी गर्मी है तो रोज इनका दोनों लोअर है जो भी था, मतलब टी शर्ट लोअर सब रखना था। बाकी दो चार सामान मैं भूल गई थी ना, जो याद आते जाते थे हाई पे सब रखते जा रही थी मैं अपने पर्स में, जैसे हैंकी है और इनका सबका आधार कार्ड है और टिकट, बाकी ये सब। और देखिए फिर से लोअर भूल गई थी, कही चलो इसी में रख ले रही हूँ इनका। अब प्रिंसी भी जैसे जो डेली मतलब ट्रेन में लगेगा, जैसे कि एक काक कंघी रख ले रही थी पर्स में, यही सब रख ले रही थी। और उसके बाद फिर मैं चलूँगी आगे का जो भी, मतलब यहाँ पे देखिए अपने पर्स में जो दीदी का सामान में, जैसे कि आप लोगों को पायल दिखाई थी, तो पायल तो मैं एकदम भूल चुकी थी रखने के लिए, फिर एका बैग से मुझे याद आया, मैं कही चलो पायल रख लेती हूँ बैग में। और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी थोड़ा सा बालों में तेल, क्योंकि मैं सुबह आज शैम्पू करी थी, कल तो बालों में अपने लगाई थी मेहंदी, तो कल शैम्पू नहीं करी थी, तो आज ही मैं शैम्पू करी थी, मैं कही चलो आज मतलब थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ बालों में। और देखिए हमारी रिटर्न टिकट थी, तो इसे सबसे पहले इसे मैं अपने पर्स में रख ले रही थी ताकि इसे भूलूँ ना। और आप लोग को अपना बताऊँगी कि मेरी रिटर्न टिकट कब की है, ज़्यादा दिन तो खैर नहीं रहूँगी लेकिन हाँ जल्दी आऊँगी। और उसके बाद देखिए सारी तैयारी हो चुकी थी, और उसके बाद मैं लगा ले रही थी अपने बालों में तेल, और देखिए सारी पैकिंग हो चुकी है। और तेल ना लगाऊँ तो बाल एक अजीब सा रूखा रूखा लगता है मुझे, जो कि बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और प्रिंसी को भी लगाऊँगी, अपने भी बालों में लगाऊँगी। और दोस्तों साथ ही आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।